गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जीतू तनवर, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आते हमारे क्वेश्चन पर, देखो आपके थर्ड ईयर में ये क्वेश्चन होने को, तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, बट इस एक क्वेश्चन से करीब 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं इस क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें इसे समझना होगा। चलो आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि जो देश अल्प विकसित से विकासशील फिर विकसित की ओर जा रहा होता है, तो वहां पे बेरोजगारी होती है। और बेरोजगारी होने का मेन रीजन क्या है कि एजुकेशन का लेवल लो होना, ज़्यादातर पॉपुलेशन का किसी काम में इन्वॉल्व ना होना, या एग्रीकल्चर पर डिपेंड करना। वो कैसे होता है अभी बताता हूँ आपको, ठीक है? तो फर्स्ट बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट जो बेरोजगारी का प्रकार है वो है मौसमी बेरोजगारी, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जानते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी कैसे एक बेरोजगारी होती है। देखो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं वो एग्रीकल्चर से उठा सकते हैं, हम किसान से। आपको पता है कई सारी फसल, आपने सुना हो कुछ फसल रबी होती है कुछ खरीफ होती है। अब रबी खरीफ क्या होता है, फसल के भी अपने सीजन होते हैं कुछ के, कि ये इस सीजन में फसल उगेगी, ये इसमें उगेगी, ये इसमें, ठीक है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फसल उगाता हूँ जो सिर्फ सर्दियों में उगती है, ठीक है? तो पूरी सर्दी मान लो 6 महीने, 4 5 महीने जो भी लगते हैं फसल उगाने में सर्दियों में, मान लो 5 या 6 महीने लगा लो आप, कि 5 या 6 महीने मैंने काम किया, ठीक है, फसल उगाई, फसल काटी, फसल बेच दी। लेकिन अब जो बाकी का टाइम आएगा, जो 7 या 8 महीने बचेंगे, उनका मैं क्या करूँगा? उस टाइम तो बेरोजगार हो जाऊंगा, क्योंकि जो फसल उगाने का सीजन है मेरा वो तो सर्दियों का है। अब गर्मियों के अंदर मैं क्या करूँगा, ठीक है? तो इसी जो बेरोजगारी को वो क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। मतलब आप पर्टिकुलर सीजन के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है? आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा, आप देखते हो गर्मियों के अंदर कई सारे आइसक्रीम बेचने वाले घूमते हैं, ठीक है? आपने कभी सोचा सर्दियों में क्या करते होंगे ये? सर्दियों में दिखाई क्यों नहीं देते, क्या कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ आसमान में उड़ जाते हैं या धरती के अंदर घुस जाते हैं? नहीं, वो गर्मियों में आइसक्रीम बेचते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होती है, और सर्दियों में वो कुछ और काम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ऊन बेचने वालों का, रजाई बनाने वालों का, कंबल बनाने वालों का, वो क्या करते हैं, सर्दियों में अपना काम करते हैं, रजाइयाँ बेचते हैं, ऊन बेचते हैं, ठीक है? फिर गर्मियों में कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, और जब काम नहीं मिलता तो बेरोजगार हो जाते हैं। तो देखो मौसम के अकॉर्डिंग या मौसम के हिसाब से या मौसम की वजह से जो बेरोजगारी आती है उसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? आते सेकंड पॉइंट पे, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षण, घर्षण मतलब घिसना, टूट फूटना। अब ये बेरोजगारी कहाँ आती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक छोटी फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है, या बड़ी किसी भी फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैं एक मशीन पे काम कर रहा था, गलती से क्या वो मशीन टूट गई, क्योंकि आपको पता है मशीन है उनका पर्टिकुलर टाइम होता है, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, कुछ ना कुछ परेशानी सामने आती है। तो मैं जिस मशीन पे काम करता था वो मशीन टूट गई। अब देखो जब तक वो मशीन ठीक नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और जिस टाइम पीरियड में मशीन टूटने की वजह से मैं खाली घूम रहा हूँ, मुझे कोई रोजगार नहीं मिल रहा, मैं कोई काम नहीं कर रहा, उसे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, टीयर एंड वियर बेरोजगारी। जो आप पढ़ते हैं अकाउंट्स के अंदर ही पढ़ा होगा आपने शायद, टीयर एंड वियर डेप्रिसिएशन टाइप का, ठीक है? तो जो बेरोजगारी मशीनें टूटने की वजह से या कुछ खराब होने की वजह से आती है उसे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है? नेक्स्ट तकनीकी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टेक्निक या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है टैली,
तो मैं उस कंपनी के अंदर टेली पे काम कर रहा था, और 10 साल से काम कर रहा था, ठीक है। अब कंपनी को लगा कि अब कंपनी को कुछ अपना मेथड चेंज करना चाहिए, या कंपनी को आगे बढ़ने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर आता है सैप, जिस सैप आता है, बिजी आता है, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चूज कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा, टेली से मूव करके सैप यूज कर लिया, टेली हटा दिया, सैप अपना लिया। अब टेक्निक चेंज कर दी कंपनी ने। अब कंपनी की टेक्निक चेंज करने की वजह से क्या हुआ, जो मेरा काम था मुझसे छिन गया, क्योंकि मैंने तो टेली पे काम किया जिंदगी भर और मुझे सैप आता नहीं है। तो सैप ना आने की वजह से मेरा काम छिन गया। तो इसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टेक्निक, मतलब टेक्निक में चेंजेस आने से जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट, चक्रीय बेरोजगारी, साइकिलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, साइकिलिंग मतलब चक्र, जैसे आपने देखा होगा देश के अंदर कभी सामान्य स्थिति होती है, कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है। तो देखो अभी जैसा कि आपको पता है कोरोना एपिडेमिक, कोविड का टाइम चल रहा है ये, ठीक है, एक महामारी का सामना कर रहे हैं कोरोना वायरस का, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारे देश के अंदर काफी मंदी आ चुकी है, हमारे देश के पूरे वर्ल्ड में एक तरह से मंदी समझ लो आप, क्योंकि लोगों के काम छिन चुके हैं, ठीक है। अब मंदी आने का मतलब क्या होता है कि कोई उत्पादन नहीं हो रहा, कोई डिमांड नहीं कर रहा, लोगों का पैसा नहीं है जो डिमांड करेंगे वो। अब लोगों का पैसा नहीं, वो डिमांड नहीं करे तो कंपनी फैक्ट्री कब तक प्रोडक्शन करेगी, वो प्रोडक्शन रोक देगी अपना, और जब कंपनी प्रोडक्शन रोक देगी तो लेबर क्या करेंगे वहां पे, तो कंपनी लेबर को हटाना शुरू करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करता था, लेकिन फैक्ट्री का काम ठप हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, जैसे बताया मैंने आपको, तो कंपनी मुझे वहां बिठा के मुझे फ्री में सैलरी क्यों देगी। कंपनी चाहेगी कि मैं जितने कम से कम एम्प्लॉय यूज करूँ, कम से कम एम्प्लॉय पकड़ूँ, उतना ही उनको लूँ। तो कंपनी ने मुझे बोला कि आप रिजाइन कर दीजिए। मैंने कहा क्यों भाई, कहते भाई हमारे पास आपको देने की सैलरी नहीं है, अगर आपको फ्री में काम करना है तो कर लो। फिर मैंने सोचा यार फ्री में काम करने अच्छा मैं दूसरा काम ढूंढता हूँ कोई, ठीक है। तो मैंने वो काम छोड़ दिया। अब देखो मंदी या तेजी आने की वजह से आपका जब काम छूटता है तो उसे क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अनैच्छिक बेरोजगारी। आप जब छोटे होंगे 9th 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे छींक मारना, पलके झपकना, जो हमारे बस में नहीं होती, ठीक है, जो हम चाहते नहीं फिर भी हो जाती है। तो यहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी है। अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब हम तो काम करना चाहते हैं बट काम मिल ही नहीं रहा। अनैच्छिक, हमारी इच्छा किसी और काम में, लेकिन हमें दूसरा काम मिल रहा है तो उस काम के लिए हमारी इच्छा नहीं है, अनैच्छिक, ना चाहते हुए काम नहीं मिलना, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी जॉब के लिए बुला रही है, बट मैंने सोचा अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, जाऊंगा तो अगर कोरोना वायरस मुझे मुझे कोविड हो जाता है, मतलब मैं इस बीमारी के अंदर फंस जाता हूँ, तो हो सकता है जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वही फंस जाएंगे। तो मैंने काम ही करने से मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा काम, ठीक है, मैं नहीं कर रहा। अब देखो चाहते हुए भी मुझे काम करने से मना करना पड़ रहा है, इसे कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, कि आपका मन नहीं है लेकिन आप कर नहीं पाओगे काम, आप चाहते नहीं हो, क्योंकि आपने कुछ सोचा, आपने कुछ विचार करा, आपने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप काम करने से मना कर दिया, ना चाहते हुए भी आपको काम नहीं मिल रहा या नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी, मैंने आपको ये पहले भी कराया था, अल्प मतलब जिस काम के आप लायक हो, आप मान लो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो बट आपको, सॉरी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो बट आपको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, या फिर आप ग्रेजुएट हो तो आपको ग्रेजुएशन की लेवल की जॉब मिलनी चाहिए, आपको मिल रही है 12th लेवल की या 10th लेवल की जॉब। तो देखो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, जितना आपकी एलिजिबिलिटी है, उससे कम की जॉब मिलना अल्प बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिछन बेरोजगारी, प्रिछन इंग्लिश में कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये होती क्या है, इसे भी ज्यादातर एग्रीकल्चर में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा या सुना होगा कोई किसान है, उसका छोटा सा खेत है, ठीक है, उस खेत के अंदर पूरी फैमिली लगी हुई है,
हालांकि अगर वहां पर ना दो लोग भी काम करेंगे ना तब भी काफी है उस काम को करने के लिए, बट फिर भी पूरी फैमिली वहां लगी हुई है। तो जब बाकी एक्स्ट्रा मेंबर लगे हुए ना, अगर वो काम छोड़कर किसी और काम में लगेंगे तब भी खेती को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जितनी हो रही है उतनी होगी। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो काम में योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कृषि करने में, बट ये गलत है। वो वहाँ कोई योगदान नहीं कर रहे, उनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई उत्पादन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह की बेरोजगारी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। आपको लगता है आप किसी काम में इन्वॉल्व हो बट आप गलत हो, आप वहां से हटोगे तब भी उस काम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसे कहते हैं प्रिचन या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, औद्योगिक बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो शहरों के अंदर क्या है, उद्योग है बहुत सारे बट आबादी उससे ज्यादा है, और जो गांव की आबादी है उस शहर की तरफ मूव कर रही है, आपको पता है, अट्रैक्शन के लिए, ज्यादा इनकम के लिए, अच्छे स्टैंडर्ड के लिए, अच्छी लिविंग के लिए। तो जो शहर के लोग हैं वो काम नहीं मिल पा रहा उनको, क्योंकि जितने उद्योग होने चाहिए उससे कम उद्योग है और पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उद्योगों के कारण कम उद्योग के कारण आपको रोजगार कम मिलना, या कम उद्योग के कारण बेरोजगारी फैलना, इसे कहते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। कि जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग उद्योग नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इंडस्ट्री नहीं होगी तो आप बेरोजगार घूमोगे, ठीक है। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, शिक्षित मध्यम वर्ग में बेरोजगारी। अब देखो कई सारे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस की वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, जो पुराने लोग होते हैं, कि भाई एम ए कर रखी है, एम कॉम कर रखी है, बी ए कर रखी है, बी कॉम कर रखी है, पर कोई काम ही नहीं है, क्या फायदा पढ़ाई लिखा का, ऐसे बोलते हैं वो। पर ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि सिर्फ बी कॉम एम कॉम करने से आपको जॉब नहीं मिलती, आपके पास कोई अलग से टैलेंट या फिर अलग से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आपने कोई कोर्स किया हुआ हो, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा हो, ठीक है, या कंप्यूटर रिलेटेड, या कुछ भी आपने कोई कोर्स कर रखा हो जिससे आपकी स्किल्ड बढ़ती है, आप एफिशिएंट होते हो, तो उससे आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो देखो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उन्हें या तो नॉलेज नहीं होती या फिर उन पर पैसा नहीं होता उस चीज़ को करने के लिए, जिसकी वजह से वो बेरोजगार रह जाते हैं। जितने उनको रोजगार मिलना चाहिए उतना रोजगार नहीं मिल पाता। तो इसे कहते हैं शिक्षित मध्यम वर्ग में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेशनल मिडिल क्लास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन, सॉरी तीन क्वेश्चन छिपे हुए हैं, दोनों तीन तीन कैसे। फर्स्ट, बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ लेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी समझाइए, एक्सप्लेन द अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, ठीक है। अब देखो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, मैंने बताया था आपको गांव के अंदर कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो मौसमी बेरोजगारी और एक प्रिछन बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जो कृषि के अंदर लोग लगे होते हैं कुछ महीनों के लिए, बाकी महीने बेरोजगार रहते हैं वो, ठीक है। और प्रिछन बेरोजगारी मैंने बताया था कि लोगों को लगता है कि वो कृषि के अंदर इन्वॉल्व है बट उनके हटने से उस कृषि क्षेत्र को, उस एग्रीकल्चर लैंड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रिछन या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो जब भी आपसे पूछेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी समझाइए, तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लिख दोगे एक्सप्लेन करके, ठीक है। पहले आप एक्सप्लेन करना कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी होती है, फिर इन पॉइंट को लिख के एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बताइए, एक्सप्लेन द अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी। अब देखो ये जो दो पॉइंट कराए मैंने आपको, यही दो पॉइंट शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी आते हैं। तीन क्वेश्चन आपके हो गए, फर्स्ट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, ये दो पॉइंट फर्स्ट और सेवन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी, एट और नाइन पॉइंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, लो चौथा क्वेश्चन बन गया, फोर्थ क्वेश्चन भी सामने आ गया आपके, डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। एक टी बार बनाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे रूरल एरिया, यहाँ पे अर्बन एरिया, और यहाँ पे इन दो पॉइंट को लिख दोगे फर्स्ट और सेवन को, ठीक है।
और यहाँ पे लिख दोगे आप 8th और 9th पॉइंट को, तो ये आपके डिफरेंस भी हो गया। तो मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपके चार क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को समझोगे और अच्छे से नोट करोगे और अपने नोट्स बनाओगे, और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करोगे, मुझसे पूछोगे आप। थैंक यू।